किसी से तुलना करके हीन भावना पैदा मत कीजिए, अपने गुणों को पहचानिए। एक सरोवर के तट पर एक खूबसूरत बगीचा था। इसमें अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगे हुए थे। लोग वहाँ आते तो वहाँ खिले तमाम रंगों के गुलाब के फूलों की तारीफ जरूर करते। एक बार एक गुलाबी रंग के बहुत सुंदर गुलाब के पौधे के एक पत्ते के भीतर यह विचार पैदा हो गया कि सभी लोग फूल की ही तारीफ करते हैं, लेकिन पत्ते की तारीफ कोई नहीं करता। इसका मतलब यह है कि मेरा जीवन तो व्यर्थ ही है। यह विचार आते ही पत्ते के अंदर हीन भावना घर करने लगी और वह मुरझाने लगा। कुछ दिनों के बाद बहुत तेज तूफान आया। जितने भी फूल थे वे पंखुड़ी पंखुड़ी होकर हवा के साथ न जाने कहाँ चले गए। चूँकि पत्ता अपनी हीन भावना से मुरझाकर एक ओर पड़ गया था, इसलिए वह भी टूटकर जड़ उड़कर सागर में समा गया। पत्ते ने देखा कि सरोवर में एक चींटी भी आकर गिर पड़ी थी और वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी को थकान से बेदम होते देखकर पत्ता उसके पास आ गया और बोला, घबराओ मत, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर ले चलूँगा। चींटी पत्ते पर बैठ गई और सही सलामत किनारे तक आ गई। चींटी इतनी कृतज्ञ हो गई कि पत्ते की तारीफ करने लगी। उसने कहा, मुझे तमाम पंखुड़ियाँ मिली लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली, आप बहुत ही महान हैं। यह सुनकर पत्ते की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए कि आज तुम्हारी वजह से मैं अपने गुणों को जान पाया हूँ। अभी तक तो मैं अपने में अवगुणों के ही बारे में सोच रहा था, लेकिन आज अपने गुणों को पहचानने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। कथा मर्म, किसी से तुलना करके हीन भावना पैदा करने की बजाय सक्रिय होकर अपने भीतर के गुणों को पहचानना चाहिए।